गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल एनआईएस ऑनलाइन हब में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित 3 ब्रेकिंग न्यूज के बारे में और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। साथ में दोस्तों, नया शिक्षा मंत्री का क्या बयान आ रहा है, इस नियोजन को लेकर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और किस नियोजन इकाई की तरफ से नोटिस जारी हो रहा है और 60,000 अभ्यर्थियों के स्थान बदलेंगे मेधा सूची में, ये कहां से अपडेट आ रहा है, पूरी खबर को जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित लेटेस्ट अपडेट लेना चाहते हैं तो अपना जिला का नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि कोई भी अपडेट आए तो आप मिस ना करें, ताकि आपके भी जिले का अपडेट मिल सके। दोस्तों, एक बड़ी खबर यहां पर दे दूं, जैसा कि आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये आज का लेटेस्ट अपडेट आ रहा है जो कि ये सीतामढ़ी से हिंदुस्तान.com के माध्यम से आ रहा है। लिखा हुआ है कि 60,000 अभ्यर्थियों के स्थान बदलेंगे मेधा सूची में और नियोजन जो है पूरी अब तेजी से चलने वाला है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर, और सभी नियोजन इकाई अब जो इस पर लेटर भी जारी किया है कर रहा है और शिक्षा विभाग की तरफ से जो आदेश दिया गया है 13 तारीख को डॉक्टर प्राथमिक शिक्षण निदेशक के द्वारा यानी डॉक्टर रंजीत सिंह के द्वारा, उसमें कहा गया है कि आपको हर हाल में NIC पोर्टल पर 28 तक जो है जारी कर देना है संयुक्त मेरिट लिस्ट यानी DLED और BEd अभ्यर्थियों का जो मेधा सूची होगा और NIC के पोर्टल पर हर हाल में जारी कर देना। उसी को लेकर एक बड़ी खबर यहां पर निकल के आई है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, लिखा है 60,000 अभ्यर्थियों के स्थान बदलेंगे मेधा सूची में। एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, लिखा कि प्रक्रिया जारी, DLED व BEd अभ्यर्थियों की बन रही संयुक्त मेधा सूची, बेसिक ग्रेड पद के लिए शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जारी, नई सूची बनाने में नहीं होगी परेशानी। एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, जैसा कि प्राथमिक निदेशक ने पहले ही एक्सेल शीट पर बनाने का निर्देश दिया गया था, यानी जितने भी नियोजन इकाई है 3 तरह का जो है यानी सूची जो है तैयार करके रखा है। यहाँ पर DPO अमरेंद्र कुमार गोंड का कहना है कि नियोजन इकाई को पूर्व में DLED व BEd योग्यताधारी मेधा सूची संयुक्त अलग अलग तैयार कर एक्सेल शीट में डाउनलोड का निर्देश दिया गया था। ऐसे में नियोजन इकाई को हाईकोर्ट आदेश पर नया संयुक्त तैयार करने में कोई जो है खास परेशानी नहीं होगी, यानी 28 तक आपको जो है जारी करने का मिल सकता है, यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। फिर लिखा हुआ है, पूरी खबर को पढ़ते हैं, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। के तहत बेसिक ग्रेड शिक्षक पद के करीब 60,000 अभ्यर्थियों की मेधा सूची, आवंटित मेधा सूची जो है अब तैयार हो रही है। मेधा सूची में अब स्थान बदल जाएगा, यानी पूर्व में DLED व BEd युक्तधारी की मेधा सूची जो है बदलाव किया जा रहा है, क्योंकि पूर्व में क्या था, जब प्राथमिकता था DLED अभ्यर्थियों का, तो उसमें क्या था, जो उसका DLED वाले था उसको ऊपर में रैंकिंग करता था। हाईकोर्ट से पारित आदेश के आलोक में BEd और DLED योग्यताधारी को बेसिक ग्रेड कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बहाली में एक समान मान्यता दी जाएगी। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षण निदेशक की गाइडलाइंस के आधार पर जिले के सभी नियोजन इकाई में अब DLED व BEd योग्यताधारी अभ्यर्थियों की मेधा सूची एक साथ बनाई जाएगी। पूर्व से 1 से 5 तक शिक्षक बहाली में DLED योग्यताधारी प्राथमिकता के आधार पर अलग से मेधा सूची बनाई गई थी, अब संयुक्त मेधा सूची बनाई जा रही है। पूर्व की मेधा सूची में ऊपर स्थान वाले अभ्यर्थी जो है खिसक जाएंगे, यानी जो भी अभ्यर्थी जो है ऊपर में है उसका जो अब जो है नीचे नाम आ सकता है, क्योंकि अब जो है DLED और BEd को जो है समान कर दिया है, यानी जिसका DLED हो या BEd हो, जिसका मेरिट हाई होगा वो जो है ऊपर में होगा, वही नीचे स्थान पर रहे अभ्यर्थी अब ऊपर आ सकते हैं। इस तरह जिले में 267 पंचायत नियोजन इकाई समेत 17 प्रखंड व 6 नियोजन इकाई को पूर्व में तैयार किया बंधित मेधा सूची फिर बदल होगा। DLED व BEd योग्यताधारी अभ्यर्थियों की संयुक्त आवंटित मेधा सूची 28 तक प्रकाशित वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा और निदेशक के द्वारा जो लेटर जारी किया गया है उसमें सख्त निर्देश दिया गया है कि हर हाल में 28 तक जो है जारी कर लेना है। तो एक लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी, जैसा कि आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, और शिक्षा मंत्री जो नया शिक्षा मंत्री जो पदभार लिया उसने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि शिक्षा विभाग में 1 से 1.5 लाख जो है बहाली होने की है
और अभी जो बहाली चल रही है अटकी हुई है वो प्राथमिकता के आधार पर कराई जाएगी। शिक्षा विभाग से एक लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि जो नया शिक्षा मंत्री बने हैं अशोक चौधरी का कहना है कि प्राथमिक शिक्षक को अटकी नियुक्ति प्रक्रिया जो है प्राथमिकता के आधार पर कराई जाएगी और कोर्ट के मामले को निपटाने के बाद नियोजन प्रक्रिया जो है किया जाएगा। हम शिक्षकों की कमी को खत्म करेंगे, यानी जितने भी शिक्षकों को रिक्त पड़े हैं जल्द से जल्द जो है भरा जाएगा, यही शिक्षा मंत्री का कहना है। और जैसा कि आपको पता है कि बिहार में अभी जो 90,000 जो भर्तियां चल रहा है वो सीटेड दिसंबर केस का जो 25 तारीख आज जो है 25 तारीख है आज तक जो है लास्ट डेट है, यानी जितनी पार्टियां उसे रिटेन जो है मांगा गया है। तो यहां पर कहा है कि 1.5 लाख नए साल में 1.5 लाख से अधिक नियुक्तियाँ शिक्षा विभाग में ये होने वाली है। और यहाँ लिखा है कि सुविधा की मांग करने शिक्षकों को भी पढ़ाना भी पड़ेगा, अगर सुविधा मांगते हैं तो उसे पढ़ाना भी पड़ेगा। तो देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, राज्य में अगले 6 विभागों में 1,53,000 से भी प्लस आपको रिक्तियाँ यहाँ पर देखने को मिलेगा। डॉक्टर अशोक चौधरी ने सोमवार को पदभार करते बाद ट्वीट के माध्यम से ये ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि अकेले शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर प्राथमिक शिक्षकों की बहाली आसपास में होने वाली है, यानी 1.5 लाख के प्लस में आपको जो है यहाँ पर बहाली देखने को मिलेगा शिक्षा विभाग में। इसके अतिरिक्त पंचायत राज में 1600, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में 8,770, राज्य एवं भूमि सुधार में 5,900, स्वास्थ्य विभाग में देख सकते हैं 16,000, इतना गृह विभाग में 12,000 से प्लस पद हैं। और इसके पूर्व जो है उन्होंने शिक्षकों की सुविधा के मांग के साथ साथ पढ़ाना भी कहा है। और यहां कहा है कि जो अभी बहाली चल रहा है उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। और उसने कहा है कि जो अभी शिक्षकों की जो कमी चल रही है स्कूल में उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। इसमें कहा है कि शिक्षकों की प्राथमिकता होनी चाहिए, शिक्षकों की सुविधा को देते हुए समय हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमारे बच्चों की पढ़ाई कैसे कराई जाती है। उन्होंने दो टुक में कहा कि यूनियन बनाकर दबाव की अपेक्षा उन्हें पढ़ाई का ध्यान फोकस करना चाहिए, 3 लाख शिक्षकों के करोड़ों के साथ यहाँ पर ध्यान हमारी प्राथमिकता है कि जो है जो अभी बहाली चल रहा है उसे जल्द से जल्द जो है किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षकों की अटकी नियुक्ति प्रक्रिया जो है प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। कोर्ट के मामले निपटाने पर शिक्षक नियोजन पूरा कर दिया जाएगा, यानी जो अभी सीटेड दिसंबर केस का अभी जो मामला चल रहा है तो उसे निपटारा होने के बाद जो है इसे पूरा कर दिया जाएगा। हम शिक्षकों की कमी को खत्म करेंगे, अभी जो है स्कूल खोले जाने का सही समय नहीं है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि दूसरे राज्य में कोरोना बढ़ रहा है इसलिए अभी स्कूल खोलने का सही समय नहीं है। के स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे प्राथमिक शिक्षक निदेशक के द्वारा जो 13 तारीख को लेटर जारी किया गया है उसमें कहा कि बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों का जो है संयुक्त मेरिट लिस्ट हर हाल में एनआईसी पोर्टल पर जो है जारी किया जाए। उसी को लेकर आप देख पा रहे होंगे मोतिहारी से एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है, इसमें लिखा है 24 तारीख के डेट में देख सकते हैं मोतिहारी की तरफ से लेटेस्ट अपडेट आया है कि सभी नियोजन इकाई 1 to 5 नियोजन इकाई एवं 6 to 8 आवश्यक कार्यवाही करते हुए उसे ध्यान में रखता जाए और सभी जो है ये जल्द से जल्द जो है पूरा किया जाए। यानी जो आदेश दिया गया शिक्षा निदेशक के द्वारा, बहुत सारे कमेंट आता है कि सर इस तरह का लेटर तो बहुत जारी हुआ है, लेकिन दोस्तों इस बार जो है आप जो है सख्त कार्रवाई होने जा रही है सभी नियोजन इकाई को, और आपको प्राथमिकता भी जो है हट गया है। और यहाँ पर एक केस जो है वो जो है आपको 1-2 दिन में उसका जो बहुत जल्द अपडेट देखने को मिलेगा और ये रफ्तार बहुत जल्द जो है आपको चलने वाला है। जो शिक्षा विभाग की तरफ से अपडेट आया है कि जनवरी के अंत तक या जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपको जो है नियुक्ति हर हाल में दी जाएगी। यह प्राथमिक शिक्षा विभाग के तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट आया है मैंने आपसे साझा किया। इसी बात पर वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।